पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर अनसर्टिनिटी का ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। तो पाकिस्तान का जो डॉलर के मुकाबले में रुपया है वो रिकॉर्ड गिरावट दर्ज कर चुका है, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में आप देख सकते हो उरिया मकबूल जान ने क्लियरली बोल दिया है कि ये अगर ऐसा ही रहा तो 3-4 महीने में पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से धड़ाम से गिरेगी। तो बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, वीडियो के आखिरी में इस टॉपिक पर बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पैसा जो है आप जानते हैं, ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ है अब वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और खान साहब ने कहना है आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि हम इकोनॉमी पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा मुल्क इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में बना और हमसे ही अलग होके बना, आज उनका जो एक टका है वो हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है, यानी हमारे 2 रुपए के बराबर उनका एक टका है, यानी अब हम आधे टके के हो गए हैं। पहले हम 2 टके के थे, शुरू में जब बांग्लादेश बना था तो हम उस वक्त 2 टके के कहलाते थे, फिर हम 1 टके के हुए और अब हम आधे टके के हो गए हैं। लेकिन इस पे ना तो हम घबरा रहे हैं, ना हमें कोई परेशानी है और ना ही हमें कोई डॉलर आज जो है 172 के 73 के करीब जा पहुंचा है, और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, जा कहाँ रहा है ये डॉलर? देखिए अफगान सिचुएशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों को हर चीज़ जो डॉलर सेव करने के चक्कर में है, खुद वो जो अर्बन एरिया के लोग थे स्टेबिलिटी की वजह से उनकी ज़रूरियात हैं वो उसके अंदर ले, पाकिस्तान में चूंकि डॉलर उस हिसाब से वो वहाँ सस्ता हो गया है, यहाँ महंगा है, और हमारे हिसाब से महंगा उस हिसाब से नहीं है। एक तो ये है कि वो हम रोज़ को 30-35-40 हज़ार बंदा जाता है और वो आता है और डॉलर लेके जा रहे हैं। एक आदमी 10 हज़ार भी अगर लेके जाए तो आप देखें कितना, वो एस्टिमेट्स हैं कि 4-5 मिलियन डॉलर तो डेली वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है, और वो पहले वहाँ से जहाँ आता था अब जहाँ से वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी सारी उनकी ट्रेड जो है वो यहाँ से हो रही है, टोटल डिपेंडेंट, ना ताजिकिस्तान है, ना ईरान है, ना वो अच्छा उसका भी जो आपकी जो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं वो बुनियादी वजह उसके अंदर अफगानिस्तान का इम्पैक्ट है। अब पाकिस्तान को फैसला तो कर ही नहीं रहा कि या तो कबूल करो या कुछ को खुदा कबूल, सबने किया हुआ है, दस्तखत नहीं करते। अब पूछ लेते हैं शबर जैसी साहब से, आखिर वजूहात है क्या? अस्सलाम वालेकुम शबर भाई। वालेकुम सलाम जी। जैसी साहब ये बताइएगा, ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए बात, और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है, इसके 2 फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो हमारे डॉलर्स को, हमारी रुपी की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपी का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है, तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपी की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रॉन्गली with the expected relation of Pakistan with America. और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफ्सियाती तनाव है जो कि उस ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज़ हासिल नहीं हो जो पास्ट में हुई है, तो उसको उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो या नहीं हो, अमेरिका ने एक सेनेट ने एक कानून पास किया है जिसमें वो ये डिसाइड कर वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इकदाम होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसकी उसको देखते हुए हमारा जी शबर भाई आपने बहुत सही बात की, मेरा ख्याल है ये वाकई खोल देने वाली बात है। वीडियो आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, पाकिस्तान का जो डॉलर है
डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो इतना नीचे गया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही हैं। और ओरिया मकबूल जान ने क्लियरली बोल दिया है कि 3-4 महीने में अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अगर वीडियो लंबे होने चाहिए तो प्लीज़ लंबे वीडियो के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय माँ भारती।